अब बेसिक और मोस्ट कॉमन स्किल्स लेके मेरे नज़दीक आप एक बड़े कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल फ्रीलांसर भी बन चुके हैं और डिजिटल मार्केटर भी बन चुके हैं। तो अब मेरे पास तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स होंगी वो तो मैं अभी आपको ही दूंगा, लेकिन इन बेसिक स्किल्स के बाद ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं उन एडवांस स्किल्स के ऊपर जो मेरे नज़दीक एडवांस्ड हैं, यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें आपका कॉम्पिटिशन कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के साथ भी होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, जिस तरह पिछला पूरा कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक अंदाज में लेके चला हूँ और मैंने आपको दिखाया कि अगर आपके पास कंप्यूटर की एडवांस स्किल्स भी नहीं मौजूद तो फिर भी आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, इसी तरीके से अगली एडवांस स्किल्स भी मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। मैं इनको एडवांस इस वजह से कह रहा हूँ कि एक तो इनकी जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पर, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो हो सकता है आपको ये जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है या कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है आपका। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह के ऊपर आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा कि जो आपसे एक काम करवाएगा। और कोडिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग आप अपने तौर पे भी सीखिए। बल्कि डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट का कोर्स भी ले रहे हैं, आप वर्ड प्रेस का कोर्स भी लेंगे और आप आगे चल के क्रिएटिव राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी ले रहे होंगे, जो आपको डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स और भी सिखा रही है। तो उनको सारों को आपस में ब्लेंड करें और इन तमाम एडवांस स्किल्स की जॉब्स को देखें। तो आइए सबसे पहले एडवांस स्किल्स की जॉब के ऊपर नज़र डालना शुरू करते हैं ताकि अगले कुछ चंद सेशंस हम उस पर डिवोट करें। और ये एडवांस स्किल्स के अंदर शुमार होता है वेबसाइट यूएक्सडी का या वेब डेवलपमेंट का। अब वेब डेवलपमेंट की जो बेसिक जॉब्स हैं वो तो बड़ी अवेलेबल हैं, मतलब बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन वेब डेवलपमेंट से ज़्यादा मैं फोकस करूँगा इन सेशंस में ई कॉमर्स स्टोर सेटअप के ऊपर। और ई कॉमर्स स्टोर सेटअप में भी मैं एक सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाऊंगा, ये प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाऊंगा कि जो बहुत ही यूज़फुल है, मैं पर्सनली अपने तमाम बिजनेसेस में उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख्वाह वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो। और मैं आगे भी जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत प्लेटफॉर्म है जो आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट के कोर्स में भी पढ़े होंगे या आगे जाके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस सेशन के अंदर कि वेब यूएक्सडी या वेबसाइट यूएक्सडी से क्या मुराद है और फ्रीलांसिंग दुनिया में कौन कौन सी जॉब वेबसाइट यूएक्सडी के रिलेटेड मौजूद है। नाउ यूएक्सडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। यू इज फॉर यूजर, एक्स इज फॉर एक्सपीरियंस, डी इज फॉर डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन से मुराद ये है कि वो इंटरफेस के जो यूजर के सामने आपकी वेबसाइट का अपीयर हो रहा हो, उसका डिजाइन है, उसका फ्रेमवर्क है, उसकी डायनेमिक्स है, जो एज ए फ्रीलांसर आपको बनानी पड़ती हैं। अब अगर आपको मेरी तरह का कोई क्लाइंट मिल गया कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं जानता या उसको पता ही नहीं है कि वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, तो वो तो आपको इतना कहेगा कि भाई मेरी वेबसाइट मुझे बना के दे दो, बस अच्छी खूबसूरत सी हो, कलरफुल सी हो। तो आपको फिर सारे का सारा डिज़ाइन खुद करना पड़ता है। जो अच्छी है वेबसाइट्स जो बनती हैं उसकी टेस्टिंग होती है, उस डिज़ाइन की अप्रूवल होती है, उसमें ये देखा जाता है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस कर रहा है डिज़ाइन, क्या वो आसान है नहीं है। तो एक फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेमवर्क के चंद एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने देखना है कि क्या ये वेबसाइट यूज़फुल है, मतलब जो वेबसाइट आप बनाई है आपने या जो स्टोर आप बना रहे हैं वो यूज़र के लिए यूज़फुल है भी या नहीं है। बेताशा ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलती हैं रोज़मर्रा जब आप वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं कि जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वो यूज़फुल नहीं होती, उसके टाइटल में लिखा हुआ होता है कि ये आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करती है लेकिन टेक्निकली वो यूज़फुल नहीं होती। तो आपके यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन का पहला हिस्सा ये है कि आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट यूज़फुल है या नहीं है। सेकंड इज़ यूज़ेबल। अब यूज़फुल तो है लेकिन क्या यूज़ेबल भी है, यानी कि वो मुफीद तो है लेकिन उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका जो आगे से पूरा जो नेविगेशन है, उसके जो बटन्स हैं, उसके जो कलर्स हैं, उसका जो वर्ड लिखने का जो स्टाइल है, जो लफ्ज़ लिखे हुए वो क्लियर नहीं है, तो यूज़ेबल नहीं है। तो सेकंड फ्रेमवर्क का एलिमेंट है डिज़ाइन के अंदर कि क्या वो वेबसाइट यूज़ेबल भी है या नहीं है। अच्छा, ये कैसे आपको पता लगेगा यूज़ेबल है या नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ चीज़ को डिज़ाइन की है तो मैं तो कहूँगा भाई ये यूज़ेबल भी है और यूज़फुल भी है। आप उसकी रिसर्च करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, आप यूज़र्स को बिठाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई जान वेबसाइट को यूज़ करो, फिर आप यूज़र्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर डिज़ायरेबल। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो यूज़फुल बहुत होती हैं, यूज़ेबल भी होती हैं लेकिन डिज़ायरेबल नहीं होती। दिल नहीं करता उन वेबसाइट्स को देखने का, उनका डिज़ाइन अच्छा नहीं होता, कलर कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, एक ऐसा कलर एक ऐसी जगह पर डाला होता है कि जो ना उधर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना उधर पिक्चर नज़र आ रही है, वो डिज़ायरेबल नहीं होता।
तो फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिज़ायरेबिलिटी का. आप कलर्स देखते हैं, आप देखते हैं कि मैंने किस तरह के पिक्चर्स डालनी है. ज़रूरी नहीं कि आपने जो पिक्चर्स उसमें डाल रहे हैं आप वेक्टर ग्राफिक्स डाल रहे हैं, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैंने उन मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया था, आप वेक्टर ग्राफिक्स डालिए, आप कार्टून्स डाल दीजिए, कलरफुल बनाइए अपनी वेबसाइट को. फाइंडेबल है या नहीं है थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है. जब आपको गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो क्या आपकी वेबसाइट फाइंडेबल है भी है या नहीं है, एक्सेसिबल है या नहीं है. अक्सर आप वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, आगे से आपको मैसेज आता है कि भाई जान द सर्वर इज़ डाउन, तो आपका इसका मतलब जो सर्वर है वो ठीक नहीं है. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस आती है टेक्निकल नॉलेज की, कि एक्सेसिबिलिटी और फाइंडेबिलिटी दोनों होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की. और लास्ट के अंदर क्रेडिबिलिटी, एक तो टेक्निकल क्रेडिबिलिटी है जो सर्टिफिकेट्स की बेस पे बनती है, लेकिन एक नॉन टेक्निकल क्रेडिबिलिटी है कि अगर मेरा एक स्टोर है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो क्रेडिबल नहीं है, मतलब ये है कि लोग उस स्टोर पे आए हैं, उन्होंने चीज़ खरीदी है, चीज़ खरीदने के बाद या तो मैंने उनको डिलीवर टाइम पे नहीं किया या उनके मामला कुछ ठीक नहीं थे और मैंने उनको रिफंड नहीं किया, तो मेरी क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट विल ड्रॉप. जब क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट विल ड्रॉप, ऑटोमेटिकली यू विल लूज कस्टमर्स. अच्छा, तो अब ये तो हो गया उस फ्रेमवर्क की बात कि जो एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप के अंदर आपको इस्तेमाल करना है या आपको यूज़ करना है. तो जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, ज़हन में रखें एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लें, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये फ्रेमवर्क के एलिमेंट हो, राइट साइड के ऊपर आपकी जस्टिफिकेशन लिखी हो. तो जब आप वो क्लाइंट को भेजेंगे ना, तो यकीन मानिए क्लाइंट उसी को ही देख के खुश हो जाएगा. वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट तो फिर बाद की बात है. अब आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि कौन सी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं ई कॉमर्स स्टोर सेटअप के रिलेटेड. सबसे पहली जॉब है वो है क्रिएटिंग ए सिमिलर वेबसाइट. जी हाँ बिल्कुल, आपको क्लाइंट ये कहेगा कि भाई मैंने स्टोर बना रहा हूँ मैं अपना, ये है वो स्टोर कि जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसके डिज़ाइन को यूज़ करके आइडियाज़ लें और मेरा स्टोर एक सेटअप करें. यहाँ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी की वेबसाइट को, तो बेशक आप उसने आपको एक लिंक भेजा है एज एन एग्जाम्पल, उसको कॉपी ना कीजिए. आप उसको लेके उससे मोटिवेशन लें और मोटिवेशन लेने के बाद आप अपने तौर पे उसको रीडिज़ाइन करें और रीडिज़ाइन करके क्लाइंट को दिखाएं कि भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी चीज़ को कॉपी करें, हमारा डिज़ाइन उस वेबसाइट से ज़्यादा बेहतर है, वो फिर आप उसको दिखाएं. मेंटेनिंग कंटेंट की सेकंड जॉब है कि जो आपको अक्सर मिल रही होगी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे. मेंटेनिंग कंटेंट से मुराद ये है कि आपको वेबसाइट बनाने का कोई नहीं कह रहा, आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने का कोई नहीं कह रहा, आपको बस वो कह रहे हैं कि भाई जान आपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को मेंटेन करना है, यानी कि पोस्टिंग करनी है. हमारी प्रोडक्ट्स हैं नई, उनकी पिक्चर्स पोस्ट करनी है, उनका टाइटल पोस्ट करना है, लिस्टिंग अपडेट करनी है, पेज को अपडेट करना है, वो मेंटेनेंस में आ जाता है. और वो जॉब्स एज ए फ्रीलांसर आप कर रहे होते हैं. मैं अक्सर फ्रीलांसर्स को जानता हूँ कि जो महीने में 40-40 वेबसाइट्स को मेंटेन या स्टोर्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि काम ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होता है. इस वजह से एक दफ़ा करने के बाद दे बिकम यूज टू ऑफ इट एंड देन दे स्टार्ट डूइंग इट ऑन ए रेगुलर बेसिस. उसके बाद है ट्विकिंग दी वेबसाइट, यानी कि आपको जो वेबसाइट आपके क्लाइंट ने प्रोवाइड की, कहा कि भाई इसमें ये वेबसाइट बनी हुई है, हर चीज़ इज़ एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बैनर ऐसा हो कर दो, लफ्ज़ उठा के यहाँ से यहाँ कर दो. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है जिसके लिए आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी चाहिए होगी, लेकिन ये भी जॉब फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं. तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने बड़ा ब्रीफली आपको बताया कि वेबसाइट UXD होता क्या है, ई कॉमर्स स्टोर क्या है, और उसके अलावा फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं. अब आपने दोबारा जहन में रखें कि ये नहीं सोचना कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ तो मैं ये वाला सेशन सारे स्किप कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है. ये हम नॉन टेक्निकल लोगों के लिए इस ट्रेनिंग को हमने बनाया है, और हम नॉन टेक्निकल लोगों ही को जहन में रखकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक्सेलेंट लुकिंग वेबसाइट बनानी है, और डब्बे ऊपर से नीचे कैसे करने हैं, और लव्ज़ उसमें कैसे डालने हैं, और किस तरीके से एक ई कॉमर्स स्टोर को सेटअप करना है अगले चंद सेशंस के अंदर.